गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटा, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ठोसों का तापीय प्रसार पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे लिक्विड्स यानी कि द्रवों का तापीय प्रसार। तो आपको ये तो पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही पदार्थ जो है वो ऊष्मा पाकर फैलते हैं, पर द्रव जो होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। अगर हम एक ग्लास में पानी लें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, एक कटोरी में पानी लें तो वो उस कटोरी की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब कि द्रवों में सिर्फ कौन सा प्रसार होता है, आयतन प्रसार ही होता है। ठोसों में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन तीनों तरह के प्रसार मैंने पढ़ाए थे, पर लिक्विड्स यानी कि द्रवों में सिर्फ आयतन प्रसार ही होता है। अब आयतन प्रसार जो होता है वो द्रवों में दो तरह का होता है, तो एक डायग्राम के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करती हूं। सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, और इस फ्लास्क में ये हमने कांच की नली लगा दी और इसको हमने कांच के फ्लास्क को रख दिया बर्नर पर। कांच का फ्लास्क है तो डायरेक्ट तो बर्नर पर नहीं रख सकते, तो इसीलिए एक मैट लगाकर हमने इसको बर्नर पर रख दिया। अब इसमें पानी है, ये कांच की नली, आप इसको आप अब जब हमने इसे हीट देनी शुरू करी, कांच के फ्लास्क को हीट देनी शुरू करी, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है स्टार्टिंग में वो है यहाँ। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का जो लेवल है वो पहुंच जाता है ए से, पहले ए पर था, ए से पहुंच जाता है सी पर। पर ये ए से जो सी पर जो इसका पानी का लेवल जो पहुंचा है, ये ए से सी जो है ये एक्चुअली में आभासी प्रसार है। एक मैंने पॉइंट बी भी लिया हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब हम बर्तन को गर्म करना शुरू करते हैं, बर्तन में पानी गर्म होना शुरू होता है, तो हीट डायरेक्ट पानी को नहीं लगेगी, हीट पहले किसको लग रही है, इस बर्तन को लग रही है। बर्तन तो ठोस का है तो सबसे पहले किसका प्रसार होगा, ठोस का। थर्मल एक्सपेंशन जो है सबसे पहले किसका होगा, बर्तन का, क्योंकि बर्तन को पहले हीट लग रही है तो पहले बर्तन हीट पाके फैल जाएगा। अब जब बर्तन हीट पाके फैल गया तो पानी जो वहां ए तक था वो पानी क्या होगा, बर्तन फैलने से वो पानी का लेवल नीचे आ गया, बी पर आ गया, तो पानी का लेवल पहले नीचे आएगा। अब उसका प्रसार पानी का होना शुरू करेगा, बर्तन के बाद अब पानी को हीट मिलनी शुरू होगी, तो जो द्रव का वास्तविक जो रियल में एक्सपेंशन हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, सी से बी, ये जो है ये है वास्तविक प्रसार। जो हमें सामने से दिखता है कि ए से सी तक बढ़ गया वो एक्चुअली में क्या है, आभासी, उसका हमें आभास हो रहा है। पर जो वास्तविक है, रियल जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कहां से कहां तक है, बी से सी तक। इट मीन्स वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार या द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार, क्योंकि द्रव में सिर्फ आयतन प्रसार ही होता है, बराबर होता है बर्तन का आयतन प्रसार प्लस आभासी आयतन प्रसार।
तो वास्तविक आयतन प्रसार जो है वो कितना है, बी सी बराबर बर्तन का आयतन प्रसार कितना हो रहा है, ये ए बी और आभासी कितना है ए सी, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और अगर हम आयतन प्रसार गुणांक की बात करें तो इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा वास्तविक आयतन प्रसार, तो वास्तविक के लिए रियल, गामा आर बराबर बर्तन का आभासी प्रसार, बर्तन कांच का है तो गामा जी ग्लास के लिए, प्लस आभासी आयतन प्रसार, आभासी को इंग्लिश में बोला जाता है अपारेंट, तो गामा ए। तो ये रिलेशन आपको याद करना है, फॉर्मूला जो है ये कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, गामा आर इज इक्वल टू गामा जी प्लस गामा ए। अब इसमें से एक ये भी क्वेश्चन आता है कि द्रवों का जो ताप के साथ घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, आयतन तो हमने देख लिया, घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो हमें पता है कि घनत्व बराबर जो है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब जब हम द्रव को गर्म करते हैं उसके द्रव्यमान में तो कोई चेंज नहीं होता, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने का मतलब घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है जल का असामान्य प्रसार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी द्रव जो हैं वो ऊष्मा पाकर क्या होते हैं, फैलते हैं, पर जल एक ऐसा द्रव है जो ऊष्मा पाके फैलता नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित करता है। एबनॉर्मल कैसे, कि जब हम इसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो इसका आयतन जो है वो बढ़ने की जगह घटता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है। ये ग्राफ मैं बताती हूँ आपको, अगर हम ग्राफ खींचे एक, यहाँ टेम्परेचर ले लें और यहां पर हम ले लें आयतन वॉल्यूम, 0, 2, 4, 6 ये ताप है डिग्री सेल्सियस में, तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, 4 तक आकर ये न्यूनतम हो जाता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। तो ये जल का एबनॉर्मल बिहेवियर है। और अगर हम एक ग्राफ खींचें ताप और घनत्व के बीच में, तो जल के लिए कैसा आएगा, जैसे ये इस तरीके से आ रहा है तो वो कैसे आएगा, ऐसे, मतलब आयतन तो 4 डिग्री पर कम होता है और घनत्व 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है, तो ये जल का असामान्य प्रसार है। जब हम जल को 4 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं, जैसे बर्फ बनानी होती है, तो क्या होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है पानी का, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। अब जो बर्फ होती है उसका आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, अब आयतन अधिक है तो घनत्व क्या होगा, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, और यही रीजन है कि बर्फ जो है वो जल पर तैरती रहती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्फ जल पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं असामान्य प्रसार के, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें तालाब जम जाते हैं पर उनमें जो मछलियां होती हैं वो जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन ये है कि जो तालाबों की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें टेम्परेचर पहले घटता है, अब जब टेम्परेचर घट गया तो टेम्परेचर घट कम हो जाने से जो वो वाला पानी होता है ऊपर की लेयर वाला पानी वो हैवी हो जाता है, अब हैवी होके वो नीचे आ जाता है और जो नीचे का पानी है वो हल्का है वो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, कब तक, जब तक पूरे तालाब का पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाता।
अब उसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर वाली सतह है तालाब की, जो ऊपर वाली लेयर है, अब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री से और कम होने लगता है। अब टेम्परेचर कम होने लगता है तो फिर क्या होगा, घनत्व कम होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब जल जमना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि जो जल जो जम रहा है वो प्रोसेस कहाँ से कहाँ चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले तो ऊपर वाली लेयर जमेगी, उसके बाद नीचे वाली लेयर जमेगी। अब क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर जम गई, इट मीन्स ऊपर जो है वो बर्फ बन गई। बर्फ जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब कि ना तो वो हीट को बाहर जाने देगी, अंदर वाली जो हीट है ना उसे बाहर जाने देगी, ना बाहर वाली हीट को अंदर जाने देगी। तो जो नीचे तालाब की ऊपरी सतह तो बर्फ बन गई, पर जो नीचे वाली लेयर है उसकी जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती। मतलब नीचे जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। ऊपर 4-0 हो जाता है जब बहुत ज्यादा जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री बना जाता है। इसलिए वहां पर मछलियां या फिर जो और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जीवित रहते हैं। तो ये है जल का असामान्य प्रसार। हमने ठोसों का प्रसार पढ़ लिया, द्रवों का प्रसार पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैसों का तापीय प्रसार। अब अगर हम गैसों की बात करें तो गैसों में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, क्योंकि गैसों के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत रैंडमली मूव करते रहते हैं, बहुत तेजी से गति करते रहते हैं, तो इसलिए वो ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो गैसों में बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऊष्मा पाकर वो बहुत तेजी से उनमें प्रसार होता है। तो जो गैसों का ऊष्मीय प्रसार होता है वो ताप पर निर्भर करता है। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार ताप पर निर्भर नहीं करता, पर गैसों का जो ऊष्मीय प्रसार है वो ताप पर निर्भर करता है। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला है वो कहाँ से हमें मिलेगा, जो आदर्श गैस समीकरण आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, PV = μRT। यहाँ पर R गैस नियतांक है। अब अगर हम दाब को कांस्टेंट कर दें, पी को कांस्टेंट कर दें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी दाब तो हमने कांस्टेंट रहने दिया तो आयतन तो चेंज होगा, ΔV μR। और आयतन कब चेंज होगा, जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, ΔT। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को भाग करेंगे, पी से पी कट जाएगा, रह गया क्या, ΔV/V, μR से μR कट जाएगा, क्या रह गया, ΔT/T। तो आयतन प्रसार गुणांक गैसों के लिए इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि हम अभी नियत दाब पर बात कर रहे हैं तो इसलिए साथ में हमने लगा दिया पी, कांस्टेंट प्रेशर पर। ये किसके बराबर होता है, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इनटू टेम्परेचर में चेंज। ΔV/V का मान अभी हमने निकाला, ΔT/T, और एक ΔT ही है, ΔT से ΔT कैंसिल आउट, इट मीन्स γP = आया 1/T। अब जैसे हमने नियत दाब करके ये सब निकाला, इसी तरीके से अगर हम नियत आयतन कर दें, तो नियत आयतन करके भी अब ये इक्वेशन जैसे P ΔV थी, इक्वेशन बन जाएगी ΔP V μR ΔT। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3/1 करने पर क्या आएगा, ΔP/P = ΔT/T। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा, अब क्योंकि हम दाब आयतन को कांस्टेंट कर रहे हैं, गामा वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ΔP/P × ΔT। इसका मान ΔT/T, ΔT से ΔT कैंसिल हो, तो γV = 1/T। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आयतन प्रसार गुणांक जो गैसों के लिए है वो किस पे निर्भर करता है, ताप पर, सिर्फ और सिर्फ ताप पर। और कैसे निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, कि ताप बढ़ता है तो आयतन प्रसार गुणांक जो है वो कम हो जाता है। गामा पी
गामा वी इज इक्वल टू 1/T।